फेड हाईवे पर अवस्थित गांव चरिया से रायकेला बाजार टांड तक निर्माणाधीन सड़क की जांच रविवार को कनीय अभियंता 0B0 राम ने की। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जरिया से रायकेला बाजार टांड तक करीब 2 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य करीब 1 वर्ष से अधूरा पड़ा है। संवेदक शिव साहू की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है और सड़क पर बोल्डर बिछा कर छोड़ दिया है, जिसके कारण आवागमन करने वालों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही कई छोटी मोटी सड़क दुर्घटना भी अधूरे सड़क के कारण निरंतर हो रही है। दो पहिए व साइकिल चालक भी टायर पंक्चर की समस्या से जूझ रहे हैं। रविवार को विभाग के JA0B0 राम ने अधूरे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सड़क निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। जी के निरीक्षण के क्रम में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं व मानक के अनुरूप संवेदक के द्वारा कार्य नहीं किया गया है। कार्य में भारी अनियमितता बरते जाने की बात जी के द्वारा बताया गया और जी ने जगह जगह अधूरे सड़क की खुदाई कर जांच की है। जांच के क्रम में मजदूरों की मजदूरी भुगतान की राशि भी बकाया है। जाँच के क्रम में जरिया, टोलंगा टोली, रायकेला के ग्रामीणों ने भी अधूरे सड़क के कारण हो रही परेशानी से जी को अवगत कराया। जांच के क्रम में जेई ने कहा कि लापरवाह संवेदक के विरुद्ध बेहतर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।